देखिए, आपने पहला चीज कहा डबल इंजन के समय। देखिए, ये इंजन तो एक ही होता है, और आजकल अगर आप जाइए रेल भवन में तो उसका चाहे इलेक्ट्रिक पावर जो है, हॉर्स पावर बढ़ गया है, डीजल का ही बढ़ गया है। सरकार एक ही है, केंद्र में है, राज्य में है, अपनी दोनों सरकारें हैं। और देखिए लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य यही होता है कि भाई हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारे राष्ट्र में खुशहाली हो, हमारे राष्ट्र के लोगों का जीवन जो है अच्छा हो। और बिहार उत्तर प्रदेश सब उसी का एक हिस्सा है, और स्वाभाविक है हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक उनका एक पॉजिटिव होता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास खान है, खदान है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खान खदान की कमी है, लेकिन वहां आप देखिएगा कि हमारा लैंड है बहुत अच्छा है। वहां पर आप देखिएगा हमारे पास पानी बहुत अच्छा है। वहां पर देखिएगा कि जलवायु बहुत अच्छी है, लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक बात है कि इन दोनों प्रदेशों में जितना औद्योगिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है, लेकिन देखिए विकास में सिर्फ उद्योग ही नहीं होता, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। और आजकल खास करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया ना, जो कोर जो वहां पर कोर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, और सबसे बड़ा चीज है क्या है कि जो एग्रीकल्चर का है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी जितनी इंडस्ट्री होती है उनकी अपार संभावनाएं वहां। और जहां तक आप इस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई घर नहीं है जहां की इस मिनिस्ट्री का कोई ना कोई आइटम नहीं। ठीक है, बिहार में उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि खपत के दृष्टिकोण से जो कंजम्पशन है, तो मैंने बताया ना कि किसी घर में चले जाइए तो सब जगह आपको लोहे का सामान मिलेगा। इस मंत्रालय की बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी है देश की जो हमारी आर्थिक उन्नति है उसको आगे करने की। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 5 ट्रिलियन जो हमारे इकोनॉमी करना है, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। और हम सब लोगों का यही प्रयास होगा कि जो भी जिम्मेवारी, जो मैंडेट इस मिनिस्ट्री को दिया गया है उसको हम लोग प्राप्त करने में कामयाब हो सकें। वही सर, घर महंगाई और निजीकरण से भी जुड़ गई, जो निजीकरण का लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा मामला भी आपने छुआ, निजीकरण। मैं बताऊंगा आपको तो आपको अन्यथा मत लीजिए। अभी कोरोना काल में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुआ है, और वह कृषि क्षेत्र, आप जानते हैं कृषि क्षेत्र का जो अचीवमेंट है 3.1% रहा है पिछला बजट का आप देख लीजिए। और कृषि क्या है हमारे देश में, 100% प्राइवेट सेक्टर है या नहीं है? तो देखिए, हम लोगों को किसी भी चीज को प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के आईने से नहीं देखना चाहिए। समय होती है, परिस्थिति होता है, और जहां जहां हमको जरूरत है, जहां पर हमारी इफिशियंसी बढ़ सकती है, हमारी उसमें जो है जो भी रिसोर्स लगा हुआ है उसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। गोल क्या है? गोल है कि हमारे देश की जो पूरी GDP है वो बढ़े, हमारे जो लोग हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़े, और इसी में ये जो हमारा मंत्रालय है उसका योगदान होना चाहिए।